ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी ने कश्मीर मुद्दे पर जिस तरह भारत का समर्थन किया उससे पाकिस्तान पहले ही बौखलाया हुआ था, लेकिन जॉनसन अपने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह भारत और मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं उसकी बौखलाहट अब तिलमिलाहट में बदलती जा रही है। जॉनसन ने एक बार फिर से मोदी को अपना बेहतरीन मित्र बताने के साथ कहा है कि वे नए भारत के निर्माण में जुटे हुए हैं, उनके कार्यकाल में भारत नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, दुनिया में चल रही मंदी का असर सभी ओर है, इसलिए सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका फर्क पड़ा है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश सरकार मोदी के इस प्रयास में हमेशा उनका समर्थन करेगी। उन्होंने परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में भारत विरोध और हिंदू विरोध की भावना के लिए कोई जगह नहीं है। गौरतलब है कि कश्मीर मुद्दे पर जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी ने भारत का साथ दिया था, जबकि विपक्षी लेबर पार्टी का रुख भारत के खिलाफ रहा था। अब इसका खामियाजा लेबर पार्टी को चुकाना पड़ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल में जॉनसन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी विपक्षी लेबर पार्टी से आगे चल रही है। प्रवासी भारतीयों ने एक प्रकार से लेबर पार्टी का संयुक्त रूप से बहिष्कार कर दिया है, जिससे लेबर पार्टी को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हालांकि उसने डैमेज कंट्रोल करने के लिए मोदी का गुणगान करना शुरू कर दिया है, किंतु अब उसके द्वारा चलाया गया अनुच्छेद 370 विरोध का तीर वापस लौटने वाला नहीं है। खास बात यह है कि बोरिस जॉनसन प्रवासी भारतीयों का एक तरफा समर्थन मिलने से गदगद है, इससे उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। उन्होंने भारतीयों के बीच अपनी सभाओं का दायरा बढ़ा दिया है। मजे की बात यह है कि वह प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाकर भारतीयों के बीच उनका बार बार नाम लेते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। पिछले दिनों बोरिस जॉनसन और उनकी गर्लफ्रेंड साइमंड्स स्वामीनारायण मंदिर में पूजा करने पहुंचे। साइमंड्स ने चटक गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, जबकि जॉनसन तिलक लगाए और गले में माला डाले हुए थे। जॉनसन ने इस दौरान कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जीत में सहयोग मांगा है, जिसके जवाब में मोदी ने कहा है कि भारतीय सदैव जीतने वाले के साथ रहते हैं। इस वक्त ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के जीतने की संभावना के मद्देनजर लेबर पार्टी और पाकिस्तान में हवाइयां उड़ रही है। पाकिस्तान के कश्मीर प्रोपेगेंडा में सहयोग करने वाली लेबर पार्टी आज अपने उस प्रस्ताव को आत्मघाती मान रही है, जिसे उसने 25 सितंबर को पेश करके अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके बाद से ही ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह शेखावत ने लेबर पार्टी को वोट न देने का अभियान चलाया हुआ है, जिसका असर साफ देखा जा सकता है। ब्रिटेन में परसों 12 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, मगर लेबर पार्टी एक तरह से हार स्वीकार कर चुकी है। लेबर पार्टी के चीफ इयान लवेरी ने 12 नवंबर को अपनी पार्टी द्वारा कश्मीर प्रस्ताव को बड़ी भूल कहा था। उन्होंने यूटर्न लेते हुए इसे भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा बताया था, पर भारतीयों ने लेबर पार्टी को नकार दिया है और एकजुट होकर कंजर्वेटिव पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के विरोध में पाकिस्तानी कंजर लेबर पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इन कंजर भिखारियों की तादाद लंदन में भारत से ज्यादा है, लेकिन ब्रिटेन के अन्य हिस्सों में बसे भारतीय उनसे कहीं ज्यादा संख्या में हैं। पूरे ब्रिटेन में प्रवासी भारतीय अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर यही रहते हैं। बोरिस जॉनसन राजनीति के इस खेल से परिचित थे, इसलिए वह आज बाजी मार ले जा रहे हैं। वह जानते हैं कि मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेताओं की सूची में बहुत ऊपर है, इसलिए वह उनकी नीतियों उनसे फोन पर बात करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके भारतों के बीच उनका शुभचिंतक बन गए हैं। जबकि लेबर पार्टी के इयान पाकिस्तान के भरोसे रहकर आज प्रवासी भारतीयों से सहयोग की भीख मांग रहे हैं। आखिर भिखारियों की संगत में जाने का परिणाम उनके राजनीतिक कौशल पर दिखाई देने लगा है। अगर उनकी पार्टी कश्मीर मुद्दे पर तटस्थ रहती तो शायद उनके मुकाबले में बने रहने की संभावना बन सकती थी, पर कंजर के चक्कर में कंजर्वेटिव पार्टी से पिछड़ गए। परसों 12 दिसंबर को प्रवासी भारतीय इस लेबर पार्टी को गोबर पार्टी बना दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।